दोस्तों आप सभी को याद तो होगा ही कि कुछ वक्त पहले एक बहुत ही यंग के पॉप सिंगर पाकबो राम की डेथ हो गई थी, जिसके बाद पूरी के पॉप की दुनिया में सेंसेशन मच गया था, क्योंकि किसी को भी उनके मरने का रियल रीजन नहीं पता था। कई सारे लोगों को बस यही पता चला कि वो आखिरी टाइम पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी और ड्रिंक कर रही थी, और उसके बाद ही ये सब कुछ हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पुलिस ने बोला था कि कुछ वक्त बाद पाकबो राम की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो आएगी, और फाइनली वो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और अब हमें पता चलेगा कि पाकबो राम हमें छोड़कर क्यों गई। क्या उन्हें किसी ने मारा था या फिर खुद उन्होंने अपनी जान ली थी। तो दोस्तों, नामयांग पुलिस डिपार्टमेंट को फाइनली पाकबो राम की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल गई मई 23 को, और नेशनल फोरेंसिक सर्विस ने ये रिवील किया है कि पाकबो राम की मरने की वजह अपनी खुद की जान लेना या फिर किसी का उन्हें मारना नहीं था, बल्कि उन्हें एक छोटी सी अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई थी। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मरने से पहले पता चला था कि पाकबो राम अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, उन्होंने ड्रिंक भी करी हुई थी, और उसके बाद जब वो वॉशरूम गई तो वो कुछ देर तक वापस नहीं आई, और जब उनके दोस्तों ने उन्हें जाकर ढूंढा तो पता चला कि वो ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि जब उनकी मौत हुई उस समय भी उन्हें थोड़ी बहुत हेल्थ कंसर्न हो रही थी, जैसे कि उन्हें फैटी लीवर डिजीज था या फिर लीवर में भी उनके कुछ प्रॉब्लम थी, और इसी वजह से जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कुछ खाना पीना किया और ड्रिंकिंग करी तो शायद वो सब मिक्स होकर उन्हें अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई। यही नहीं, बल्कि इसके सिवा कोई भी और एविडेंस नहीं मिला है, तो फोरेंसिक टीम का यही मानना है कि यही शायद मेन कारण था पाकबो राम की मौत का। इसके साथ साथ उनकी फैमिली को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया है, और रिसेंटली उनके फैंस को भी पता चला है कि फाइनली उनके साथ क्या हुआ। कई सारे लोगों को उनकी मौत के टाइम पर लग रहा था कि कई किसी ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया तो नहीं था या फिर उन्हें जानबूझकर तो नहीं मारा, लेकिन अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हिसाब से तो यही पता चला है कि पाकबो राम ऑलरेडी बीमार थी और इसीलिए उन्हें फूड पॉइजनिंग या फिर अल्कोहल पॉइजनिंग हो गई। हालांकि कई सारे फैंस का मानना है कि शायद उस दिन पाकबो राम के साथ कुछ और हुआ था, शायद किसी और ने उनको मारने की कोशिश करी, उनके खाने पीने में कुछ मिलाया होगा, लेकिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को तो ऐसा कुछ नहीं मिला। अब ऐसे में कई सारे जो ट्रू फैंस हैं उनका मानना है कि अगर किसी ने ऐसा कुछ किया भी होगा तो मे बी शायद उसने ये सब छुपाने के लिए कोई अच्छी ट्रिक यूज करी होगी। वहीं कई सारे फैंस का मानना है कि अब हमें मान लेना चाहिए कि हमारी प्यारी पाकबो राम हमें छोड़कर चली गई हैं और उनकी मौत की वजह भी अब हमें पता चल गई है। तो दोस्तों, आप सब मुझे बताओ कि आपका इस बात को लेकर क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।